अस्सलाम वालेकुम, मैं हनुमान। आप देख रहे हैं टेक होज। फ्रेंड्स, बहुत जल्द हुआवे लॉन्च करने वाला है मेट 30 प्रो को, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमाल की न्यूज़ लीक्स और रूमर आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक न्यूज़ के बारे में, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि हुआवे मेट 30 प्रो के अंदर यूज़ करने वाला है 80 मेगापिक्सल का कैमरा। उसके अलावा हम लोग कुछ और लीक्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वक्त स्मार्टफोन्स के दरमियान इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका हुआ है कि स्मार्टफोन कंपनीज़ को जब भी वो कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करती हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ती है कि अपने स्मार्टफोन के अंदर कौन सा ऐसा फीचर इंक्लूड करें उसकी शेप के अंदर या फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर, ताकि वो उसकी बेस के ऊपर मार्केटिंग करके अपने स्मार्टफोन को जो पहले इंडस्ट्री के अंदर स्मार्टफोन अवेलेबल हैं थोड़ा सा यूनिक बना सके। और इस चीज़ के अंदर वीवो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। वीवो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के अंदर नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हुआवे की, तो न्यूज़ ये आ रही है कि हुआवे मेट 30 प्रो के अंदर 80 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर्स को यूज़ करने वाला। अब यहाँ पे जो 80 मेगापिक्सल का एक ही सेंसर नहीं होगा, बल्कि 40 मेगापिक्सल के दो सेंसर होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। उनकी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम लोग पहले बात करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इससे हमें जो क्वालिटी मिलेगी वो कैसी होगी। तो जो पहला 40 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, उसके अंदर हमें ज़्यादा रेजोलूशन के साथ जो साइज़ मिलेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिलेगा। 1/1.5 इंचज़ का हमें उसके अंदर सेंसर का साइज़ मिलेगा। उसके साथ हमें f/1.6 से f/1.4 तक का अपर्चर मिलेगा। और जो दूसरा 40 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, उसके अंदर हमें 1/1.7 इंचज का साइज मिलेगा। ये अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, जिसके अंदर हमें 120 डिग्री का व्यू मिल जाएगा। उसके अलावा जो तीसरा सेंसर कहा जा रहा है, जो कि मेट 30 प्रो के अंदर यूज़ किया जाएगा, वो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर होगा, जिसके अंदर हमें 5x जूम मिलेगा। अब ये जो इतने बड़े हमें सेंसर मिलेंगे, इसके अंदर हमें जो कैमरा की क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा कमाल की मिलेगी, स्पेशली लो लाइट के अंदर और जो रात वाली कंडीशंस होती हैं उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की क्वालिटी मिलेगी। और ये जो 2 40 मेगापिक्सल के सेंसर हैं, इसके अंदर हमें वीडियो मोड के अंदर सिनेमैटिक जो हमारा एक पूरा लुक होती है, जो सिनेमैटिक लेंस वाले फीचर्स होते हैं वो भी मिलेंगे। अब यहाँ पर जो कैमरा होगा वो बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला जाएगा, और हुआवे जो है सैमसंग और आईफोन को बहुत ज़्यादा पीछे ऑलरेडी छोड़ चुका है। और इस कैमरा सेटअप के साथ हुआवे एप्पल को और सैमसंग को और ज़्यादा पीछे छोड़ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़े से कंपेरिजन की बात करें, तो आईसी यूनिवर्स ने इन कैमरा सेंसर को कंपेयर किया आने वाले नोट 10 के कैमरा सेंसर के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ये वाले जो सेंसर हैं एज़ कम्पेयर टू नोट 10 के सेंसर से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि स्मार्टफोन कंपनीज ये करती हैं कि जो कैमरा की रेजोल्यूशन है उसको बढ़ा देती हैं, लेकिन जो एक सेंसर लगा हुआ होता है कैमरा के अंदर जिसके ऊपर सारी लाइट पड़ रही होती है, वो उतना का उतना ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट की उसकी सेंसिटिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जो हमें जो क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिलती है, लेकिन जब आपका बड़ा सेंसर होता है तो उसके ऊपर जो लाइट की अमाउंट पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो पिक्चर की हमें क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ दूसरी लीक्स की बात करें, तो कहा जा रहा है कि इस दफ़ा हो सकता है कि हुआवे सैमसंग का जो वर्जन 2.0 है, जो कि कर्व डिस्प्ले का वर्जन है, जिसको वाटरफॉल डिस्प्ले भी कहा जा रहा है, वो वाला वर्जन यूज़ करें, जिसका एक डेमो ऑलरेडी ओप्पो ऑफिशियली तौर पर रिवील कर चुका है। अगर ये हुआवे डिस्प्ले को यूज़ करता है तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का हमें मेट 30 प्रो मिलेगा। उसके अलावा कुछ लाइव इमेजेस भी मेट 30 प्रो की लीक हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा कुछ डिटेल देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो उसकी ओवरऑल लुक हमें नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, और यहाँ पर हमें जो बड़ी नोच है वो क्लियरली तौर पर नज़र आ रही है। इसकी रीज़न ये है कि मेट 30 प्रो के अंदर हुआवे ने जो फेस आईडी के 3D सेंसर हैं वो लगाने हैं, तो उसका अभी तक हमारे पास कोई सलूशन नहीं, हमें नोच यहाँ पर यूज़ करनी ही पड़ेगी। इसके साथ अगर हम लोग कुछ दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो कहा जा रहा है कि हुआवे मेट 30 प्रो के अंदर क्रीन 985 का प्रोसेसर यूज़ करेगा। उसके साथ 5G मॉडेम इंटीग्रेटेड होगी। इसके अंदर 55 वाट के हमें फास्ट चार्जिंग मिलेगी। उसके साथ हमें 10 वाट की जो रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी लॉन्च डेट अभी तक कोई भी हमें पता नहीं है, इसके ऊपर कोई भी लीक भी अभी नहीं आई, लेकिन इस साल के फॉल के अंदर हुआवे इसको लॉन्च करने वाला है। तकरीबन आप लोग कह सकते हैं कि सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर हुआवे मेट 30 प्रो को लॉन्च करेगा। तो अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो लीक्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। अगर हमें 80 मेगापिक्सल के ये दो कैमरा सेंसर्स मिलते हैं, तो जो कैमरा की क्वालिटी होने वाली है और स्पेशली जो वीडियो की क्वालिटी होने वाली है, जो सिनेमैटिक हमें इसमें वीडियो का फीचर मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कमाल को होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतने था। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करना लाजमी पड़ेगा कि आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं 80 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के बारे में, हमें जो कैमरा की क्वालिटी मिलेगी आपको क्या लगता है कि वो सैमसंग नोट 10 को बीट कर पाएगी या फिर नहीं बीट कर पाएगी, नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।